गाइस यार ये 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला बंदा अपने चैनल पर जो भी शॉर्ट वीडियोस डालता है उन सभी पर मिलियन में व्यूज आते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हो। मैं इसके चैनल पर बहुत नीचे जाकर देखा, आपको इसके चैनल पर एक भी ऐसा शॉर्ट वीडियो नहीं मिलेगा जिस पर 1 मिलियन से कम व्यूज हो। मतलब कि अभी के टाइम पर इस टाइप के शॉर्ट्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आप जितना भी स्क्रॉल करोगे सभी शॉर्ट वीडियोस पर मिलियन में व्यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए गाइस, अगर आपके शॉर्ट चैनल पर 0 व्यूज आती हैं या फिर 1K 2K व्यूज आने के बाद में रुक जाती हैं, तो अगर आप इस टाइप के शॉर्ट वीडियोस बनाओगे तो 100% वायरल होंगे। एंड आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस बंदे के शॉर्ट चैनल पर स्टार्टिंग में व्यूज कैसे आते थे। एंड सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि ये बंदा जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता है वो आपको कहां मिलेगा। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे इस बंदे के चैनल की कैटेगरी क्या है। एंड फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे कि आपको लड़की, छोटी बच्ची और लड़की की आवाज में वॉइस ओवर कैसे करना है। एंड पांचवें फाइनल पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप के शॉर्ट वीडियोस कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए गाइस, अगर आप अभी के टाइम पर इस टाइप के शॉर्ट्स नहीं बनाओगे तो आपके शॉर्ट्स वायरल नहीं हो सकते, समझ रहे हो ना। इसीलिए आज के वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको यार थोड़ा सा मार दीजिए, और जो लाइक बटन है उस पर भी थोड़ा सा हाथ मार दीजिए, इससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है और कुछ नहीं है। अब अपना पहला पार्ट है कि इस बंदे के शॉर्ट चैनल पर स्टार्टिंग में व्यूज कैसे आते थे। तो देखिए गाइस, इस बंदे ने इस चैनल पर जो पहला शॉर्ट वीडियो डाला था उस पर 20-25 हजार व्यूज आ गए थे। मतलब कि इस बंदे को 0 व्यूज की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। लेकिन मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से ज्यादातर की प्रॉब्लम यही है कि उनके शॉर्ट वीडियोस पर स्टार्टिंग में 0 व्यूज आते हैं, 0 से ज्यादा आते ही नहीं है। तो देखिए गाइस, यहां पर सीन क्या होता है कि हो सकता है आपका जो मोबाइल है उससे आपने 7-8 चैनल से ज्यादा चैनल बना लिए हो, इसीलिए आपके शॉर्ट्स पर 0 व्यूज आती हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने किसी दोस्त या फिर अपने फैमिली मेंबर या फिर अपने किसी रिलेटिव के मोबाइल से शॉर्ट चैनल बनाएं और उसके मोबाइल नंबर से ही वेरीफाई करें, उसके बाद अपने मोबाइल में लॉगिन कर लें जब 1K 2K व्यूज आने लगे। एक तो ये 0 व्यूज का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब अगर आपके शॉर्ट वीडियोस पर 1K 2K व्यूज आने के बाद में रुक जाती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए गाइस, 1K 2K व्यूज आने के बाद जो रुक जाते हैं उसमें YouTube की कोई गलती नहीं है, उसमें गलती आप लोगों की है। मतलब कि YouTube ने 1-2 हजार लोगों को तो आपके शॉर्ट वीडियोस दिखा दिए, अब आगे YouTube उनको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके शॉर्ट में दम कितना है। दम से मेरा मतलब है आपका वॉइस ओवर कैसा है एंड आपने जो शॉर्ट बनाया है वो ट्रेंडिंग टॉपिक पर है या नहीं है। सीधा सा मतलब जनता को जो पसंद आ रहा है उसी को YouTube जो है वायरल करता है, ठीक है गाइस। अब अपना सेकंड पार्ट है कि इस बंदे के जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट आपको कहां मिलेंगे। तो देखिए गाइस, अगर आप इस टाइप के शॉर्ट्स बनाओगे एंड उनमें बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट का यूज नहीं करोगे तो आपके शॉर्ट वायरल नहीं हो सकते, क्योंकि वो जनता को ही पसंद नहीं आएंगे। और जो शॉर्ट वीडियो जनता को पसंद आती है, व्यूअर्स को जो पसंद आता है उसी को YouTube वायरल करता है, सीधी बात ये है। तो इसके जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट के लिए आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर जाओगे सबसे पहले आपको उस ग्रुप को चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में आप मेरे लोगो पर क्लिक करोगे, लोगो पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, उसके बाद यहाँ आप जो है लिंक्स के ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको ये जो लिंक दिख रही है बैकग्राउंड म्यूजिक करके, इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पर जाओगे आपको एक और पेज ओपन होगा, उसके बाद में आप कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकती हैं। एंड रही बात एडिटिंग के टाइम पर इनका वॉल्यूम वगैरह कितना रखना है, तो आप 20-20% दोनों का रख सकती हैं। एंड बाकी चीज़ें आपकी खुद की वॉइस के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपकी वॉइस के हिसाब से, मतलब आपको अपनी वॉइस के हिसाब से लगाना है साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक। अब अपना तीसरा पार्ट है कि इस बंदे के चैनल की कैटेगरी क्या है। तो देखिए गाइस, जब भी मैं कोई चैनल आइडिया आपको देता हूं आपके यही कमेंट रहते हैं कि यार इस चैनल की कैटेगरी क्या है, उस चैनल की कैटेगरी क्या है। मैं आपको एक ही बार में बता देता हूं कि कैटेगरी पता कैसे की जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद यहां पर आपको
सर्च करना है सोशल ब्लेड। आप जैसे ही सोशल ब्लेड सर्च करोगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको जो है जो पहली वेबसाइट आपकी होगी, ये जो पहली वेबसाइट होगी इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ साइड में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप जिस भी चैनल की कैटेगरी पता करना चाहते हो आपको उस चैनल का नाम यहाँ पर आसानी से टाइप कर देना है। जैसे ही आप उस चैनल का नाम यहाँ पर डालोगे पूरा का पूरा चैनल यहाँ पर आपकी आंखों के सामने निकल कर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। द लूडो पैक्स 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स, टोटल व्यूज यहाँ पर दिख रहा है, कंट्री दिख रहा है, चैनल टाइप। चैनल टाइप का ही मतलब होता है इस बंदे ने अपने चैनल की कैटेगरी क्या कर रखी है। तो इसके चैनल की कैटेगरी है पीपल, यानी कि पीपल एंड ब्लॉग। तो आप अगर इस टाइप का शॉर्ट चैनल बनाओ तो आपको उस चैनल की कैटेगरी पीपल्स एंड ब्लॉग्स रखनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चैनल की कैटेगरी कैसे पता की जाती है। अब अपना फोर्थ पार्ट है कि आखिर इस टाइप के शॉर्ट्स का वॉइस ओवर आपको कैसे करना है। देखिए गाइस इसके बाद में आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप के शॉर्ट वीडियो कहां से डाउनलोड करोगे। तो देखिए वॉइस ओवर करने के लिए इस टाइप के शॉर्ट्स में आपको इस टाइप के शॉर्ट्स में दो तीन कैरेक्टर रहते हैं। पहला एक लड़का रहता है, छोटा बच्चा। तो बच्चे की आवाज में वॉइस ओवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो किड्स की आवाज निकालनी होगी। देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो मैं मान लीजिए ये माइक है, ठीक है, अब मैं बच्चे की आवाज निकालूंगा, ठीक है, अरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब कि आपको एक बच्चे की तरह बोलना है। अब अगर आपको एक बच्ची की तरह बोलना है तो उसको सुनिए, अरे भैया मेरे पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई है, अब मैं इस चोट का क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मतलब कि आप इस तरीके से छोटी बच्ची की आवाज में वॉइस ओवर कर सकती है। अब अगर आपको एक आदमी की आवाज में वॉइस ओवर करना है तो वो आप कैसे करोगे, बेटा तू मुझे जानता नहीं है, तेरे को जान से मार दूंगा, हल्के में ले रहा दीके। मतलब कि आप इस तरीके से किसी भी आदमी का वॉइस ओवर कर सकते हैं। अब किसकी रह गई, मतलब अगर आपको लड़की, मतलब जिसकी एज 22-25 साल हो उसकी आवाज में वॉइस ओवर करना है तो सेम तरीका है यार, बच्ची की जो आवाज थी उसको थोड़ा सा मोटापन कर दीजिए। अरे बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है, बेटा आज अगर तू स्कूल नहीं गया ना तो समझ लेना तेरी केयर नहीं है, समझ गए ना। तो यार देखो वॉइस ओवर का सीन क्या है कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आप मतलब उस टाइप का वॉइस ओवर कर पाओगे। तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको वॉइस ओवर करना है। अब अपना फिफ्थ पार्ट है कि आखिर इस टाइप के शॉर्ट वीडियोस आप कहां से डाउनलोड करोगे। एंड जिसका मुझे था इंतजार वही वाली घड़ी आ चुकी है, ठीक है। तो देखिए गाइस इस टाइप के शॉर्ट्स डाउनलोड करने के आपके पास दो तरीके हैं, पहला यूट्यूब, दूसरा जो क्वाउ स्वाउ जो भी उस ऐप का नाम है वो ऐप। उस ऐप के बारे में आपको बाद में बताऊंगा उसकी आईडी वगैरह क्या है पूरा डिटेल में। उससे पहले देखिए गाइस आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो चैनल है उसका नाम है TIT वायरल। आप यूट्यूब पर जैसे ही TIT वायरल सर्च करोगे आपके सामने चैनल ओपन होकर आ जाएगा। इस चैनल पर आप जो शॉर्ट वीडियोस देखोगे ये शॉर्ट वीडियोस द लूडो फैक्ट्स आज से 2.5-3 महीने पहले डालता था, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आप इसका यूज भी कर सकते हो। एंड अपना दूसरा चैनल है जिसका नाम है यंग फन। यंग फन आप जैसे ही यूट्यूब पर सर्च करोगे आपके सामने 5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला ये चैनल निकल के आ जाएगा। इस चैनल पर आप देख सकते हैं जो भी शॉर्ट वीडियो डाले हैं उनमें एक छोटी बच्ची है, ठीक है गाइस। तो इस टाइप के शॉर्ट्स भी आप बना सकते हैं। अब बात आती है उस ऐप की, क्योंकि यार वो जो ऐप है ना उस ऐप पर मतलब यार शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए वो एक कह सकते हैं कि फरिश्ता है, मतलब यार उससे अच्छा कुछ है ही नहीं भाई वॉइस ओवर वालों के लिए। तो भाई उसका पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अगेन डिस्क्रिप्शन के लिंक से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको आ जाना है। आप जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप पर आओगे, ज्वाइन तो आपने पहले से ही कर रखा होगा, तो आपको जो है लोगो पर क्लिक करना, लोगो पर नहीं सॉरी बैक करना है, और आपको एक्चुअली सबसे ऊपर आ जाना है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये एक लिंक है उसी ऐप का, ये जो लिखा है ना BASE.APK, इसको आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है गाइस। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे उसके बाद में जैसे ये डाउनलोड हो जाए आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अब काफी लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है, अभी आईडी बताऊंगा आईडी का नाम क्या है, काफी लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है कि उनके मोबाइल में ये जो एप्लीकेशन है भाई वो डाउनलोड ही नहीं होती, तो उसका क्या सोल्यूशन है। भाई उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है,
आप अपने किसी दोस्त का मोबाइल या फैमिली मेंबर का मोबाइल यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में आपको इसको ओपन करना है। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस टाइप का रहता है। अब देखिए इस बंदे की जो आईडी है ना, ये जिस आईडी से शॉर्ट वीडियो उठाता है वो तो इस बंदे ने खुद रोहित राज मोटिवेशन पर उसने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उसने खुद नहीं बताई, मतलब कि वो बताना नहीं चाहता। और अगर मैं यहाँ बैठ के बता दूंगा तो ये थोड़ा सा मतलब यार गलत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यार देखो, आप मेरे वीडियोस देखते हो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपकी वजह से मैं पैसा कमाता हूँ, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको इस एप्लीकेशन को यार मतलब एक दो घंटा चलाना है। आप इस एप्लीकेशन को एक दो घंटे चलाओगे उतने में ही आपको उस प्रोफाइल के कोई ना कोई शॉर्ट वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। समझ रहा हो ना, मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि यार ये एप्लीकेशन ही ऐसा है, इस पर कुछ ही पॉपुलर आईडी है। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को चलाओगे तो आपके सामने इस टाइप के शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, ठीक है। लेकिन देखिए गाइस, यहां पर सवाल ये आता है कि इस टाइप के शॉर्ट वीडियोस आपको एक दिन में अपने शॉर्ट चैनल पर कितने डालने चाहिए? एक दिन में दो शॉर्ट डालने चाहिए या फिर एक शॉर्ट वीडियो डालना चाहिए? वायरल कब होंगे? तो देखिए गाइस, शॉर्ट चैनल पर एक दिन में कितने शॉर्ट्स डालने चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वाले वीडियो में मिलेगा। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट चैनल पर एक दिन में कितने शॉर्ट्स डालने से शॉर्ट्स वायरल होती हैं। तो अभी के अभी यहां क्लिक करो एंड इस वीडियो को जरूर वॉच करना ताकि आपके शॉर्ट्स भी वायरल हो सके।